कोरोना वैक्सीन की डोज लगवाने के लिए सेंट्रल लंदन के अस्पताल सेंट थॉमस के बाहर वेस्टमिंस्टर ब्रिज तक कतार लग गई। इनमें से अधिकतर बूस्टर डोज के लिए आए थे। ये तस्वीर बता रही है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट की चपेट में बुरी तरह आ चुके ब्रिटेन की सांसें फूलने लगी हैं। बोरिस जॉनसन की सरकार ने साल के आखिर तक ही समूची वयस्क आबादी को बूस्टर डोज लगा देने का लक्ष्य तय किया है। ब्रिटेन की सरकार ने सिर्फ वहां के लोगों को ही वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाने का फैसला नहीं किया है, बल्कि ब्रिटेन आए विदेशी भी सरकार की इस वैक्सीन नीति के दायरे में है। भारत से आई संतोष पुरी ने ब्रिटेन के एक वैक्सीनेशन सेंटर पर बूस्टर डोज लगवाई है। आपको संतोष जी यहाँ वैक्सीन मिल गई, इंडिया से आए हैं आप? हाँ, तो आई एम सो हैप्पी दैट आई गॉट इट हियर, बिकॉज इन इंडिया में तो अभी बहुत टाइम लगेगा, ऑलमोस्ट 7 to 8 months लगेंगे। आई एम सो हैप्पी दैट आई गॉट इट हियर एंड फॉर्चुनेटली इट वॉज फ्री, नो मनी वॉज देयर। भारत से आने वाले लोगों को या कहीं भी आने वाले लोगों को भी वैक्सीन दिया जा रहा है? हाँ जी, यहाँ पे आपने पहले जो प्राइमरी कोर्स होते हैं कोविड वैक्सीन के, कहीं पे भी लगवाए हो किसी भी देश में, यहाँ पे आप बूस्टर लगवा सकते हैं उस देश में। सो किसी को भी बंदेज नहीं है कि वो नहीं लगवा सकता कि वो कहीं दूसरे कंट्री से आया, ऐसा कुछ नहीं है। कितने लोग आ रहे हैं आपको फॉरेनर्स बाहर से लगवा रहे हैं? कल भी मैंने 20-25 लोगों को तो किया था, वो सब सारे कनाडा से है, अमेरिका से है, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन के साए में वैक्सीनेशन पर जोर देने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। हालांकि अभी ओमिक्रॉन पर मौजूद वैक्सीन के प्रभाव को लेकर गारंटी के साथ कुछ कहा नहीं जा सकता। Now the things are getting worse and worse now every day. So once you come, especially get the Omicron done. Yes. And then, yeah. You want to have your New Year's. That's correct, yeah. To be safe, yeah. Yeah, especially like people are gathering together now and getting some more parties and stuff, so it'd be better to be safe to have Omicron, yeah. The number of cases of Omicron are rising rapidly. It is expected that by the end of Christmas, this will become the dominant strain. Booster vaccinations are now being encouraged on a warpath. The duration between the second dose of the vaccine and the booster is now being reduced to 3 months. And there are walk-in centers everywhere in the UK where people are taking booster vaccinations. In fact, you can see huge lines. सोमवार तक ब्रिटेन में 44% कोरोना संक्रमण ओमिक्रॉन के थे और इसमें और इजाफे की ही आशंका है, जिसका असर क्रिसमस और नए साल की तैयारियों पर पड़ सकता है। ये कोविड वैक्सीन का वॉक इन सेंटर है और यहाँ पे कतार शुरू हो गई है। अभी बस वैक्सीन सेंटर खुला ही है और इससे पहले से यहाँ कतार मौजूद थी। मैंने खुद इस वैक्सीन सेंटर से वैक्सीन बूस्टर वैक्सीन लिया और करीब एक घंटा हमें खड़े रहना पड़ा। तो ओमिक्रॉन की वजह से जिस तरह की खबरें आ रही हैं, प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी टाइडल वेव कहा है, पहली मौत यहाँ ओमिक्रॉन की वजह से हो चुकी है, इसीलिए लोगों में हल्का सा डर तो है ही। ओमिक्रॉन ने दक्षिण अफ्रीका के बाद सबसे तेजी से ब्रिटेन में पांव पसारे हैं। ब्रिटेन में ही ओमिक्रॉन से एक मौत की पुष्टि हुई है। वैसे वायरस का ये रूप कम से कम 63 देशों तक दस्तक दे चुका है, जिसमें भारत भी है। भारत में ओमिक्रॉन के 57 केस की पुष्टि हो चुकी है।